सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। महेश फड़तरे जी की जिज्ञासा है कि हम मारण क्रिया से दुश्मन राष्ट्र को क्यों खत्म तबाह नहीं कर सकते। तो महेश जी, ऐसी बात है या इस तरह की जिज्ञासा करने वाले सभी भक्तों को कह रहा हूं कि हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? मारण क्रिया से दुश्मन राष्ट्र को खत्म और तबाह कर सकते हैं। अब तक जितने भी जगह पर ये क्रियाएं होती हैं, या मारण क्रिया आप किसको समझ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही शब्द को बोल देना मात्र ही मारण क्रिया है? ऐसा नहीं है। मारण क्रिया का अर्थ हो जाएगा कि पूरा का पूरा किसी को रूपांतरित करने की, विनष्ट करने की जो प्रक्रिया है, वे सभी, चाहे वो शब्द से हो, चाहे वो प्रकाश से हो, चाहे वो किसी और भौतिक तत्व से हो, जिस भी चीज से आप विनाश करते हैं, वे सब सब मारण क्रिया के तहत ही आते हैं। चाहे रासायनिक रूप से आप करें, चाहे बायोलॉजिकल करें, बायोलॉजिकल जैविक वेपन जो इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल वेपन, वह भी मारण के तहत आता है। हर प्रकार की क्रिया जो है, जो दूसरों को विनष्ट करने के काम आती है, वे सब सब मारण क्रिया में ही शामिल हो जाएंगे। चाहे आप आग लगाते हैं, चाहे पानी वो डैम तोड़ करके जो है बाढ़ से डुबो दें, उस तरह से विनष्ट कर दें, चाहे आप बम की वर्षा कर रहे हैं, मिसाइल की वर्षा कर रहे हैं, चाहे गोलियों की वर्षा कर रहे हैं, चाहे उनको आपस में ही उनमें भेद फूट डाल करके लड़ा रहे हैं, चाहे पैसा दे करके उनको कुछ विनष्ट करा रहे हैं, आप जैसे भी कर रहे हैं, वे सारी क्रियाएं मारण क्रियाएं ही हैं। और ये सारे, क्योंकि हम कुछ भी क्रिया करते हैं तो ये किसी न किसी विचार से आते हैं। पहले हम विचार करते हैं कि भाई अमुक को ऐसे मारना, वैसे मारना, तो हम जो विचार करते हैं उस विचार को ही मंत्र कहा जाता है, यानी मन के द्वारा त्राण पा जाना मंत्र है। तो मन से जो हम विचार कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं मन बुद्धि से, फिर जो है हम उसका उपयोग करते हैं। ये सब सब मंत्र विद्या के तहत ही आते हैं। तो विचार करेंगे, मारने का विचार करेंगे, किस तरीके से मारेंगे वो बात अलग। तो ऐसा नहीं है कि हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब भी कोई किया जाता है तो उसी से किया जाता है, मंत्र से ही होता है, मारण से ही होता है। तो हम मारण मंत्र क्रिया से कर सकते हैं। तो मारण मंत्र का अर्थ कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि एक जगह कोई बैठा हुआ है और वो उसको जप रहा है, वही मात्र नहीं है। उसके मंत्र के तहत तो उसका अर्थ भी आता है, इस बात को समझ लीजिए। मंत्र सिर्फ दोहराना मात्र नहीं है, उसका अनुसंधान है, उसका उपयोग है, उसका विश्लेषण है, और उसका फैलाव है, मैनिफेस्टेशन है, एक्सप्रेशन है, किस तरह से उसको हम बढ़ा सकें और कैसे उसको लागू कर सकें, उस ध्वनि में छिपे हुए अर्थ क्या हैं, वे हमें क्या कहां ले जाना चाह रहे हैं। तो उस मंत्र को हम कैसे, मंत्र जो है यंत्र से जुटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि भिन्न है। मंत्र का हम यंत्र में प्रयोग कर सकते हैं, मंत्र का हम तंत्र में प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र अर्थात कोई भौतिक स्वरूप दे दिए। तो मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये जितने हैं, ये सब एक ही के एक्सप्रेशंस हैं, उसी का फैलाव है, भिन्न भिन्न, ये कोई अलग नहीं है। वैचारिक लेवल पर वह मंत्र कहलाता है, और डिजाइन के लेवल पर वह यंत्र कहलाता है, और जब भौतिक रूप धारण कर लिया तो वह तंत्र कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना लोकतंत्र, तो लोगों का तंत्र है, लोगों का वो ऐसा, हम लोगों ने वो एक व्यवस्था दे दी है,
डिजाइन दे दिया है, एक उसके उसकी रूपरेखा बना दी है, एक अस्थाई भाव भौतिक स्वरूप दे दिया है, वह तंत्र हो जाता है। तो हम जब भी ये आपके जो तोप हैं, गोले हैं, मिसाइल्स हैं, बम हैं, ये सब क्या है? ये सब सब जो है ये तंत्र ही है और ये सब मंत्र से युक्त है, क्योंकि जब विचार आएगा तभी चलाया जाएगा, विचार आएगा तभी इनको बनाया भी जाएगा, तभी इनकी शोध भी होगी। तो अगर मारने का विचार आएगा तो फिर मारने का वैसे साइंटिस्ट शोध करेंगे कि भाई हमें ऐसे मारक यंत्र बनाने हैं, मारक तंत्र बनाने हैं, तो उसके हिसाब से वो डिजाइनिंग करेंगे और वो बनाएंगे, शोध करेंगे। तो जब भी तबाह करना होता है तो ऐसे ही तबाह होता है, और ये हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और भारत भी कर सकता है, अन्य देश भी कर सकते हैं। अब जिस जो जितना श्रेष्ठ मंत्र और जितना श्रेष्ठ तंत्र और यंत्र बना लेगा उसकी मारक क्षमता उतनी बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरिओम।